ने अंदाज़ा लगा लिया कि शायद मैं यहीं पे हो सकती हूँ, तो आके वो पहुँच भी गया मेरे सर के ऊपर। तब जाके मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि वो यहाँ पे मेरे लिए तैयार है। काओबाई के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने लैसों से किसी को भी हंटर से बचा सकता है, तो ये देखिए यहाँ पे पहले से तैयार है हमारे दोस्त और इन्होंने मुझे यहाँ पर बचा लिया। और यहाँ पर अभी ये हमें किसी को भी मारने की कोशिश कर रहा है, ये तो करेगा मुझे ही मारने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खेले 47। और हमेशा की तरह बहुत पहले अगर आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब, बटन के पास जो घंटी के निशान से जरूर दबाएं नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स, जो गेम है आइडेंटिटी 5, और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे एक गेम प्ले जो मैंने खेला हुआ है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ये मैं हूँ प्रोस्पेक्टर, और यहाँ पे जो हमारा एनिमी आया जो हंटर वो है फोटोग्राफर। ये एक्चुअली इसकी जो पावर है वो इस तरह है कि ये एक फ़ोटो वर्ल्ड लगाएगा यहाँ पे, जिसकी वजह से दो वर्ल्ड बन जाते हैं, और रियल वर्ल्ड और फेक वर्ल्ड। इसमें अगर हमें इसने रियल वर्ल्ड फेक वर्ल्ड में हमें मारा और हमें चेयर पे बिठाया, तो जब वो फेक वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा तो हम रियल वर्ल्ड में गिर पड़ेंगे। तो अभी ये वही कोशिश कर रहा है यहाँ पर किसी को भी ढूँढने की कि कोई उसे फेक वर्ल्ड में मिल जाए। यहाँ पे देखिए स्काई थंडर जो मैं हूँ वो यहीं पे हूँ, आपको दिख रहा होगा मेरा नाम, मैं उसी मशीन पे हूँ। अब इसे पूरा अंदाज़ा है कि ये बीच वाली मशीन है और यहाँ पे कोई ना कोई होगा, तो ये ट्राई करा है कहीं पे कोने में कोई छुपा होगा। तो यहाँ पे तो मैं कोने में छुप गई थी जो ये ढूँढ रहा है मुझे यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इत्तफाक से बात यह है कि इसे मिल गया मेरा फेक, जो मेरी जो इमेज उसे मिल गया, और यहाँ पे मेरी आंखें बड़ी हो गई कि इसने मुझे ढूंढ लिया, तो मुझे किसी कोने में जाके बैठना पड़ेगा ताकि वो मुझे ढूंढे नहीं। इसका फेक वर्ल्ड ख़त्म होने में अभी थोड़ा सा ही वक्त है, और इसकी किस्मत अच्छी कि इसे यहीं पर चेयर मिल गई। अब देखिए यहाँ पर इसने मुझे बिठा दिया, और देखिए फेक वर्ल्ड ख़त्म हो गया और मैं यहाँ पे गिर गई रियल वर्ल्ड में। अब ये मेरा एक फ्रेंड है काओबाई, वो कह रहा था कि मैं आके तुझे बचाऊँ क्या, वहाँ से उठाऊँ क्या, क्योंकि वो जब आके हमें हील करते हम जल्दी से उठ जाते, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि कभी कभी ये देख लेते हैं हंटर की कहीं से कोई आ रहा है तो उसका पीछा करते हो पहुँच जाते। और इसने अंदाज़ा लगा लिया कि शायद मैं यहीं पे हो सकती हूँ, तो आके वो पहुँच भी गया मेरे सर के ऊपर। तब जाके मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि वो यहाँ पर मेरे लिए तैयार है। काओबाई के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने लैसों से किसी को भी हंटर से बचा सकता है, तो ये देखिए यहाँ पर पहले से तैयार है हमारे दोस्त और इन्होंने मुझे यहाँ पर बचा लिया। और यहाँ पे अभी ये हमें किसी को भी मारने की कोशिश कर रहा है, ये तो करेगा मुझे ही मारने की कोशिश। ऑलरेडी मैं ज़ख्मी हूँ। यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे ब्लिंक इसका वेस्ट हो गया, इसने जल्दबाजी में गलती कर दी। अब ये मेरा ही पीछा करेगा, ये देखिए मैं यहाँ पे भाग रही हूँ, लेकिन मैंने अपने दोस्त से कह दिया कि वो मेरे आसपास रहे, क्योंकि उसका जो ये काओबाय होता है उसका यही होता है कि जो भी ज़ख्मी हो उसके पीछे रहे ताकि उसे लेसों से बचा सके। और अभी ये मैं पीछा कर रहा है, यहाँ पे ये फेक वर्ल्ड इसलिए लगा रहा है ताकि जो बाकी के लोग हैं उनकी डिकोडिंग स्पीड कम हो जाए, जो कि वो मशीन दुरुस्त कर रहे हैं। अब ये तो अभी मेरा ही पीछा करेगा। और यहाँ पे जो मेरी एबिलिटी ये है कि यहाँ पे मैं मैग्नेट्स डाल के इस जो भी हंटर्स को पीछे पीछे कर सकूँ, लेकिन वो भी बनने के लिए टाइम लगता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास अब कोई भी मैग्नेट नहीं है, मुझे सिर्फ गिरने से बचते रहना है जब तक कि मेरा मैग्नेट नहीं बन जाता। तो यहाँ पे मुझे मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, और मैं 60 सेकेंड यानी एक मिनट तक इसको किसी तरह से अपने से दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे जो भी पहले मिल जाता है हंटर को, उसकी जो भी वो सर्वाइवर है उसकी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने में उसे वो बिज़ी रखे, ताकि बाकी के सर्वाइवर्स है वो जल्दी से जल्दी मशीन बाकी के जितने भी मशीन से वो डिकोड कर दें। तो ये देखिए मेरे मैग्नेट की वजह से मैं उसे दूर रखने की को बराबर कामयाब हो रही हूँ, लेकिन कभी भी मेरे सर पे उसकी तलवार पड़ सकती है। हमारे बाकी के दोस्त हैं वो जल्दी जल्दी अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए डिकोडिंग वो अपना काम कर रहे हैं, और वो बहुत समझदार है कि वो यही देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई हंटर को अपने में बिज़ी रख रहा है तो बाकी के लोग उतना तो करे। तो यहाँ पर हमारे काओबाई दोस्त है वो मेरे आसपास ही है, और यहाँ पे इसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से एक सर्वाइवर को मार तो इतना सके कि एटलीस्ट टाई हो जाए। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे दो मशीन सिर्फ बाकी है, 5 मशीन होते हैं, और देखिए 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट मैं उसे काइटिंग कर रही हूँ।
अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ वहाँ पे कोई पैलेट्स वगैरह नहीं है, और यहाँ पे मुझे पूरा पता चल गया था कि आपकी बार तो मैं यहाँ पे पांगड़ी पड़ने ही वाली हूँ। अभी देखना आप यहाँ पे मैं पांगड़ी पड़ गई, लेकिन आप देख सकते हो ऊपर एक ही साइफर मशीन बाकी है। अगर वो हो जाए, अभी यहाँ पे हमारे काउबॉय फ्रेंड ट्राई कर रहे थे लैसो करने की, लेकिन यहाँ पे जो पैलेट है उसी को उसका लैसो हो गया। आप देखिए यहाँ पे उनको पैलेट मार दिया हमारे फ्रेंड ने, काउबॉय बहुत अच्छा किया इन्होंने। और इनको ये तोड़ने में ही इस फोटोग्राफर ये जो हंटर्स को टाइम लग गया, और हमारी आखिरी मशीन हो गई है। अब सिर्फ हमें दरवाजे खोलने, लेकिन आप देख सकते हैं इस हंटर की लाल आँखें लाल हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर एक किसी को भी एक भी अगर मारेगा एक भी, तो वह डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा। तो इसकी लाल आँखों से बचना है, ये थोड़े टाइम के लिए लाल आँखें होती है, उतना बचना है। इसने फेक वर्ल्ड बना दिया, अगर ये रियल वर्ल्ड में आता है तो इसे लगता है यहाँ पे कोई होगा, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। देखिए सब लोग कहीं भी सैरा वैरा भाग रहे, ज़रूरी नहीं ऐसे सैरा वैरा नहीं भाग रहे, हम दूसरे दरवाजे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि लाल आँखों से वो किसी को ही मार सकता है। देखिए अब ये दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर भी अभी देखिए यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ पर कोई पहुँचा ही नहीं है, सब बीचों बीच कहीं खड़े हैं क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं कि कहाँ पर वो टेलीपोर्ट हुआ। हमारे काउबॉय फ्रेंड उसी दरवाजे पर आया जहाँ पर वो पहले आया था, और यहाँ पर जो हमारी जो दूसरी फ्रेंड है यहाँ पे इंचेंट्रेस, इन सब की अपनी अपनी एबिलिटी होती है जो कि मैं अभी नहीं बता रही हूँ। ये जो है सीर, इनके पास जो चील होती है वो किसी को भी ये चील दे सकते हैं ताकि उसे कोई हिट ना लगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे इसका टाइम अभी ये फेक वर्ल्ड ख़त्म हो गया, और ये बराबर उस दरवाजे पे आ गए जहाँ पे काउबॉय फ्रेंड हमारे जो दरवाज़ा खोल रहे थे, थोड़ा सा दरवाज़ा खोलना बाकी है, सिर्फ इसकी रेड आई से ही हमें बचना है ताकि एक फाइट पड़ते हम गिर जाएंगे। क्योंकि इसे गिराने के लिए यानी किसी भी सर्वाइवर को गिराने के लिए दो अटैक करना ज़रूरी होता है, लेकिन जब आंखें लाल हो तो एक अटैक से भी काम होता। तो यहाँ पे देखिए हमारे काउबॉय फ्रेंड उन्हें काइट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं भी पहुँच गई हूँ ये देखिए। और अभी ये फिर से उसे मैं दिख गई, उसे मुझ पर बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा होगा कि यही था वो जिसके पीछे मैं पड़ा हुआ था और सारे उन्होंने मशीनें दुरुस्त कर दिए, तो मुझे मारने की फिर भी कोशिश कर रहा है यहाँ पर देखिए। लेकिन मुझे उससे इतना डर नहीं क्योंकि मेरे पास बने हुए हैं मेरे जो भी मैग्नेट्स, और अभी मेरे पास मौजूद है, मुझे इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इसने फिर से लगा दिया, देखो मैं सिर्फ फ्रेंड जो मैं बोल रही थी उसने मुझे दे दिया ये, क्योंकि उसने देखा था कि वो मेरे पीछे पड़ा था। अभी देखिए फेक वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड में आके मारने की कोशिश करेगा, लेकिन इसकी रेड आई नहीं है तो हमें एक भी अगर लगता है, देखिए एक अटैक लगा कुछ से कुछ नहीं होता। और मैं भी वहाँ से कल्टी मार गई और हम सब तीनों निकल गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी दूसरी फ्रेंड जो चौथी फ्रेंड थी उसने दूसरा दरवाज़ा खोल दिया था और ये भी उस दूसरी दरवाजे से निकल गई। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग इसमें से चारों लोग निकल गए, चारों हमारे जो सर्वाइवर जो विक्ट्री थी वो बहुत ही अच्छी थी। और मुझे इसमें इस बात की खुशी हुई कि ये जो हंटर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, और ये पहले से ही मेरे पीछे पड़ा था, एक भी मशीन दुरुस्त नहीं हुई थी, और मैंने उसे जो काइट किया वो पाँचों मशीन होने तक। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगर आप वो इस गेम के बारे में उतना ज़्यादा इंडिया में फेमस नहीं है, लेकिन अगर आप लोग खेलोगे तो आपको इसमें बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, उनके अलग अलग किस्म का उनकी एबिलिटीज़ होती, उसके ज़रिए हम काइट कर सकते हैं, और ये जो है हंटर्स उनके भी अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही गेम प्लेस के लिए और दूसरे हमारे जो फनी वीडियोस है उसके लिए हमारे चैनल और खेले 47 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के पास जो घंटी का निशान होता है उसे ज़रूर दबाइए नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये गेम पसंद है तो आप भी ये गेम खेल सकते हैं, और मैं आप लोगों के साथ ये गेम ज़रूर खेलूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये गेम मुझे बहुत पसंद है। अगर आप लोग खेलोगे तो मैं आपके साथ भी खेल के इसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। हो सकता है आपकी वॉइस भी इसमें अगर मिल रही तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल के लिए इतना ही, तो थैंक यू एंड गुड बाय फ्रेंड्स।